बिरादरान इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह रमज़ान में मुस्लिम इलाक़ों में मुसलमानों के भेस में दूसरे फ़िरके के नौजवान भीख मांगते हुए पकड़े जा रहे हैं। मुसलसल इस तरह की खबरें आ रही हैं। आखिर ये भीख मांगने वाले हैं कौन? क्या मुसलमानों की ज़कात सदक़ात पर हाथ साफ करने के लिए मुस्लिम दुश्मन तंजीमों के एजेंट हैं, या वाकई ये वो गरीब गैर मुस्लिम हैं जो ज़रूरतमंद हैं? इसकी तफ्तीश करने की ज़रूरत है। अगर ये वाकई ज़रूरतमंद हैं तो इन्हें ये समझाया जाए कि आपको मुस्लिम बनकर भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने धर्म की शराख्त को कायम रखते हुए भी मुसलमानों से मदद ले सकते हैं, और मुसलमानों का ये दीनी मज़हबी फरीज़ा है कि मुसलमान हर एक की मदद करें, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, चाहे किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो, उसकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। और अगर ये शरपसंदों की साजिश है तो इनको कानून के हवाले किया जाए, इसकी तफ्तीश ज़रूरी है। क्या नाम है बोला? सच्ची वाला प्रदीप। तेरा? इंतादिल मेरा साथ। सच्ची वाला नाम बोला। सारू सही में भाई, मार घर के बोलने से अच्छा है जल्दी बोल। अभी बोला क्या बोला तूने? राहुल बोला ना? नहीं, मुँह में आ गया अपने भाई। ये देख किसका नाम मुँह में आ रहा। नहीं नहीं, हमारे को पहचानते, उनका नाम जानते हम। किसका? वो हमारे को पहचानते भैया। कौन भैया? वो दुकान वाले, दुकान वाले। जब उनका नाम, इससे पहले तूने क्या नाम बोला मेरे को? नाम आ गया मुँह में। किसका नाम आया? तो भाई उनका नाम आ गया। क्या नाम उनका? राहुल, दुकान वाले का नाम। उसका नाम तेरे को कहीं आएगा? नहीं, पहचानते हमारे को उधर चाय। अबे तो तेरा नाम बोलने का तो उसका नाम क्यों बोल रहा? तेरा नाम पूछा था मैंने। उनके साथ रहते थे हम। बड़े तेरा नाम बोल रहे? सच्चे वाला क्या है जल्दी? बड़े भाई तेरे को पूछ रहा। चुप, सच्ची वाला बोल बेटा। ने तो बहुत मारा था, मैं कपड़े भी निकाल दिखा ना इससे पहले का वीडियो। सच्ची बोला तो छोड़ूंगा, नहीं तो नहीं छोड़ूंगा। इधर नजीक आओ। इधर क्या नाम? बांडल। बांडल, बांडल। बाप का नाम क्या? ताराचंद। ताराचंद। तेरे बाप का नाम क्या? किशन। किशन। तेरा नाम? प्रदीप। प्रदीप। बदरी। बदरीनाथ। बाप का नाम? बद्रीनाथ। बाप का नाम बद्रीनाथ। तेरा नाम? मेरा नाम क्या? राहुल। राहुल। सब तो भूल, बहुत जन है ऐसे शेरनगर में आए। बहुत जन बहुत जन। दो दिन पहले खिलौने खत्म हो गए, खाली खिलौने के लिए पैसे मांग रहे, खिलौने लेते थे। और गिरीश का भी शटर का काम करते हैं। तीनों गए। हाँ, तीनों भी ऐसे। और बहुत है, अभी 3 दिन पहले जो इसको मार मार के कपड़े विपड़े निकाल के नंगा भेजे ले यहाँ से। और मुसलमान के नाम से क्यों मांग रहे तुम लोग? मुसलमान के नाम से क्यों मांग रहे? तो ये टोपी ये डाल के कहीं को मांग रहे? तुम तुम्हारे के नाम से मांग, तेरे को नहीं देंगे क्या? तेरा नाम बोल के मांगा था तेरे को, देंगे क्या? नहीं देंगे। फिर मुसलमान के नाम से क्यों मांग रहा? कल को किधर हो गया कुछ करे तुम लोग ने, तो किसका नाम खराब होगा? नहीं, आज से चले आएंगे। आज से कहाँ नहीं जाएंगे? आज से मैं तुम्हारे हाथा पाव तोड़ के हिज रखने वाला है। अभी इसके बाद सच्ची में तुम हाथा पाव तोड़ के भीख मांगने का? नहीं, अभी मांगेंगे इसके बाद। अभी तो मांगेंगे बेटा, ऐसे क्यों नहीं मांगेंगे? बद्रीनाथ ना क्या? राहुल। राहुल, बाप का नाम बद्रीनाथ। तेरा नाम प्रदीप। बाप का नाम क्या तेरा? किशन। किशन। तेरे बाप का नाम क्या? ताराचंद। बोलो भाई, आप कहाँ रहते हो? सीतापुर। आप हिंदू है या मुसलमान? हिंदू। हिंदू। मुसलमान किसने बोला बनने के लिए? वो पवन। पवन? हाँ। क्या बोला? आप मुसलमान बन जाओ। हाँ। फिर आप भीख मांगो। हाँ। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? 4 दिन। 4? कितना पैसा कमाया? जरा पैसा निकालो बाहर। 4 दिन। ये खोलो जरा, सारा पैसा निकालो। जो बनाए ये आज का है? वो सारा सारा निकालो, सारा वो चेंज वेंज निकालो। ओ ये आज का है? हाँ।
रिपोर्ट वाला दोस्त। ये आज का है इतना? हाँ। कितना बनाया? 600? हाँ 640। वो पोस्टर निकालो, पोस्टर पे क्या लिखा है? इसपे क्या नाम लिखा आपने? वो जूता। इसपे शबीर अली लिखा है नाम? हाँ हाँ। अच्छा, इसी नाम से बोला मांगने के लिए। कितने आदमी हो आप यहाँ पे? दो। कहाँ से आप भीख मांगते हो? नारबल से? हाँ हाँ। और कहाँ कहाँ मांगते हो? लाल चौक। और डल गेट। और कहाँ पे? हिजापुर। अच्छा, और यहाँ मागाम में भी? उसने बोला गंदी नहीं। कितने बंदे हो आप? दो बंदे। ये वो नाटक कैसे करते हो जरा? लंगड़ा बनने की नाटक कैसे करते हो? पीछे जाओ। पहले जरा कैसे आप मांगते हो, लंगड़ा कैसे बनते हो, नाटक कैसे करते हो? अच्छा, गूंगा कब से बन रहे हो आप? गूंगा? हाँ। फोन बोला के गूंगा बनो। और क्या बना? लंगड़ा बनो। हाँ लंगड़ा बनो, उसने बोला। चलो ठीक है, चलो बैठो। जरा गूंगा कैसे बनते हो? हाँ अभी तो बता। पैसे कैसे मांगते हो? हेलो वसीम। फोन तो उठाओ, अंकल की शक्ल दिखाओ। अंकल की शक्ल, एक मिनट ऐसा उठो फिर ऊपर की जो बिठा लो। ये गैंग है, ये उसी गैंग का ये भी शामिल एक साथी है। इसको उठाया गया है। कहाँ से उठाया गया है आपको? अलीगढ़। कहाँ पड़ता है? कानपुर से उठाया गया है इसको। और इसके इनमें 40-50 लड़कों को और आदमियों को पकड़कर ये गैंग भीख मंगवाती है। इसे मकान, इसके नाम भी बता रहा मालिक का। ये नाम पूछ, मालिक का नाम क्या बताया? गुलाब। तू क्यों रो रहा है? तो तू क्यों रो रहा है? डाले वो छोड़ दो। छोड़ो भाईजान, हमको डेढ़ महीने से बंद रखकर ना खाना देते, ना पानी देते, ना कुछ देते। तो मारते अलग है। हाँ। कोई बात नहीं, मैं आप लोग आपके साथ। बड़ी मेहरबानी है, ठीक है। मैं अपने वालिद से नहीं मिल पाया डेढ़ महीने बाद, जा ही पाए। कितनी उम्र है तुम्हारी? 40 साल है। हाँ। इंशाल्लाह तुम्हारी पूरी मदद की जाएगी। बड़ी मेहरबानी, मदद होगी भाई। हमको घर पहुँचा दीजिए। ये कितने आदमी है आपने बताया? 40-45 आदमी। 40-45 आदमियों को पकड़ रखा है इन्होंने। तुम एक दिन में कितना भीख मांगते हो? एक दिन में जो है 2,500 रुपए। 2,500 रुपए कर लेते भीख? और ये सब ले लेते। चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ। आगे बैठिए। लो रफी भाई, बंद कर दूँ? बंद कर दो आप।